हाई गाइज आई होप यू आर डूइंग ग्रेट हम लोग बात कर रहे हैं हमारे किसी भी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की दैट इज करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वी ऑल नो लास्ट यू नो एक साल में जो है बहुत सारी चेंजेस हमने हमें देखने को मिली है स्पेशली हमारे गवर्नर्स काफी सारे स्टेट्स के चेंज हो गए थे उसके अलावा काफी सारे बैंक्स में यू नो चेंजेस होती रहती है सीएमडीज चेंज हो जाते हैं उनके Uh, या उसके अलावा यू नो अगर स्पोर्ट्स लेवल से बात करें तो किसी फेडरेशन का कोई यू नो मेन पोजिशन चेंज हो गया तो अपॉइंटमेंट्स में यही चीजें होती हैं दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी होती है कि ऑफकोर्स उन्होंने किसी को रिप्लेस तो किया ही होगा तो वो कौन रिप्लेस हुए हैं अगर वो कोई और उन्होंने यू you know, नो नई पोजीशन होल्ड किए इसको छोड़ के तो वो भी ध्यान रखोगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन आपके देख लेते हैं अराउंड हंड्रेड क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम जो अपने डेली करंट अफेयर सेशन में करते हैं जो सुबह चार बजे होती है वही क्वेश्चन है ये तो लेट्स प्रिपरेशन है इसमें आई थिंक अराउंड हंड्रेड क्वेश्चन है फर्स्ट देख लो यहाँ पर ओके बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन एंड बहुत इंपॉर्टेंट आई एम होपिंग कि आपको इसका आंसर पता था किस भारतीय को ट्विटर का uh, किस भारतीय को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आई एम होपिंग आंसर पता है आपको करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी पराग अग्रवाल ठीक है

चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है पीयूष तिवारी जी के वे राव पराग शेठ या फिर संबित ठीक है आईटीडीसी के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है संबित पात्र ठीक है तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है बस ये देख लेते हैं कि प्रीवियस लेवल पे ये क्या काम कर रहे थे तो संबित पात्रा जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ओ के किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है यह आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की फिल्म डायरेक्टर जो है नाओमी कवासे इनको अपॉइंट किया गया है यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज देखो अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात करते हैं आंसर करिए गुडविल एम्बेसिडर इनको अपॉइंट किया गया है यूनेस्को में कौन सी टॉपिक में कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज फिल्म डायरेक्टर तो डेफिनेटली इन्होंने जो है इस फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है तभी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इनको अपॉइंट किया गया है ऑप्शन आपके सामने है साउथ कोरिया जापान ऑस्ट्रेलिया या फिर मैक्सिको करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर जापान राइट नेक्स्ट चलिए एक बार डिटेल भी देख लेते हैं यहां पे मैंने आपको इतना तो पॉइंट बता दिया है कि जापानीज फिल्म डायरेक्टर है नाओमी कवासे इनको जो है यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है Uh, उसके अलावा देखो अगर मैं बात करूँ तो नाउमी नाउमी कवासी जो है इनको इस पर्टिकुलर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इनको जो है रिकोगनीशन इसीलिए इनको नामित किया गया है क्योंकि इनका बहुत ही कमिटेड यू नो रिलेशन रहा है कल्चर और क्रिएटिविटी से एंड इन्होंने इसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाया है ठीक है 2007 में उन्होंने अपनी फिल्म दी मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता और दो में फेस्टिवल के सिक्सटी सिक्स संस्करण में जूरी का भी काम किया है मतलब ये जूरी का जो यू ऑल नो कि जूरीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनका डिसीजन जो है उसी के हिसाब से यू नो दिए जाते हैं तो इट मीन कि वो बहुत यू नो कमिटेड है बहुत अच्छे है अपने काम को लेकर नेक्स्ट देखो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दैट इज एन एच ए आई वी ऑलनो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों फुल फॉर्म ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ऑप्शन आपके सामने हैं करेक्ट आंसर देख लेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी अलका उपाध्याय ठीक है तो अलका उपाध्याय को जो है एनएचए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसके अलावा जो है यहाँ पर संजय बंदोपाध्याय अतिरिक्त सचिव बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय को भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है ये इन्होंने एडिशनल बताया है यहाँ पे भी देख लीजिए आप कि संजय बंदोपाध्याय जो है एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनको जो है नामित किया गया है एज ए चेयरमैन किसका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो मतलब एक ही क्वेश्चन था लेकिन इसमें आपको दो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मिल गई है अलका उपाध्याय का तो एनीस क्वेश्चन ही था जिनको एनएचएआई का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है ठीक है उसके अलावा जो दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गई है संजो संजय बंदोपाध्याय से रिलेटेड भी मिल गई है आपको. राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी दैट इज एन ए आर सी एल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसके चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं संजय जैन प्रदीप शाह दिवाकर गुप्ता या फिर पद्म कुमार नायर ठीक है ऑप्शन आपके सामने हैं चलिए करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर क्विकली जल्दी से देखेंगे एन ए आर सी एल करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्रदीप शाह ठीक है तो ये जो है फाउंडर है इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स के ठीक है ये इन्होंने बता दिया आपको संस्थापक है ये इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स के उसके अलावा जो है इनको एन ए आर सी एल द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ठीक है उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया कि आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी जो है संजय जैन अब ये बन गए हैं न्यू चीफ एग्जेक बन गए हैं इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी के अगेन एक क्वेश्चन दो लोगों के नाम का इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है ये डेफिनेटली दिया हुआ है है क्योंकि हाँ पे आपको संजय जैन जो ऑप्शन में दिया हुआ है है ठीक तो इसलिए जो है हाँ पे उसने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है तो आपने यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन कवर किया फोर्थ और फिफ्थ लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको चार क्वेश्चन मिल गई है राइट नेक्स्ट देखो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको पता है दैट इज फिक्की ठीक है इसके जो है आपको बताना है कि प्रेसिडेंट के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है अध्यक्ष के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है फिकी का फुल फॉर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी हो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी इसके प्रेसिडेंट के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है नाम देख रहे हो संजो संजय बंदोपाध्याय ये नाम हम देख चुके हैं जी अशोक कुमार वी ऑल नो हिम ठीक है अलका उपाध्याय अभी हमने इनका आंसर डिस्कस किया है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी संजय संजीव मेहता ठीक है इसीलिए जो है हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो एनीवेज आउट हो रहा है ठीक है चलिए तो संजीव मेहता जो है चेयरमैन है और एमडी है एच यूएल दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के इनको जो है फिकी का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है और रिप्लेसमेंट की बात करें तो उन्होंने जो मौजूदा अध्यक्ष है उदय शंकर उनकी जगह लिया उनको रिप्लेस किया है उन्होंने राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी को नियुक्त किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इंडियन अमेरिकन को जो है अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ ऑफ व्हाइट व्हाइट हाउस ऑफिस प्रेसिडेंशियल में ये आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने है पराग अग्रवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो वो तो नहीं होंगे निखिल श्रीवास्तव गौतम राघवन या फिर विशाल गर्ग बी सी डी में से ही कोई करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी गौतम राघवन ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन उन्होंने एलिवेट किया है एलिवेट मतलब प्रमोट किया है इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकल एडवाइजर गौतम राघवन को एज हेड ऑफ द व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सोनल ठीक है उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है दैट इज यूएन सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस

चलिए जल्दी से क्विकली यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी फैजल हसनैन ठीक है तो फैजल हसनैन को जो है इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है एंड इन्होंने जनवरी 2022 से इस पोजीशन को या इस पदभार को ग्रहण किया है उसको अज्यूम किया है नेक्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वी बी नो एफ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे किया गया है? आपको बताना है कि BWF, में, किसे मेंबर अपॉइंट किया गया है ऑप्शन आपके सामने है फारूप अली कश्यप साइना नेहवाल पीवी सिंधु या फिर श्रीकांत किदम्बी दा, कि ठीक है करेक्ट आंसर आई एम होपिंग आपको पता था ऑप्शन नंबर सी है पीवी सिंधु तो पी वी सिंधु वी ऑल नो टू टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट मेडलिस्ट रही है शटलर पी वी सिंधु ठीक है इनको अपॉइंट किया गया है बी डब्ल्यू एफ एथलीट कमीशन में एक मेंबर के तौर पर जो एज यू नो क्वेश्चन में मैंशन ही था उसके अलावा जो है इनके अलावा बी डब्ल्यू एफ ने छे लोगों को जो है यू uh, नो you know, किया था इनको मिलाकर ऑफकोर्स इन, uh, पी वी सिंधु को मिलाकर टोटल छः लोगों को जो है एज मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किया था 2021 से 25 के लिए वो भी देख लेते हैं इसमें इन्वॉल्व है आयरिस वांग यूएसए के रॉबिन टेबलिंग नीदरलैंड के ये जो हाँ पे एनईडी है इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना उसके अलावा ग्रेसिया पोली इंडोनेशिया किम सोयोंग कोरिया एंड जेंग सी जैंग चीन ठीक है तो ये जो है यहाँ पे आपके पास नाम थे पी वी सिंधु जो है यहाँ पे आई थिंक हिंदी में मैंशन नहीं है तो पी वी सिंधु जो है इंडिया की तो इनको मिलाकर जो है छह लोग हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डीजी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर आपको बताना है आई एम होपिंग कि ये भी आंसर आपको पता होगा क्योंकि ब्रह्मोस लोग डेली बेसिस पे हमें यू you नो know, एक दो के इनका क्वेश्चन मिलता ही है यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी अतुल दिनकर रानी ठीक है तो एमिनेंट साइंटिस्ट uh, है uh, अतुल दिनकर रानी इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज डीजी ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस उसके अलावा जो है अगेन सी अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर पोस्ट को अपॉइंट किया गया है इट मीन आप अपने काम में जो है आउटस्टैंडिंग हो आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि आपको जो है इस पोजिशन के लिए अपॉइंट किया गया है उसी तरीके से आपसे ये बोल रहा है कि मिस्टर राणे का जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मिसाइल प्रोग्राम्स में ऑल्सो वो ब्रह्मोस एरोस्पेस के फाउंडेशन में एक कोर मेंबर भी रहे हैं अब जो है यू नो you know, आप एफर्ट्स डालते हो तो वो पे ऑफ जरूर होता है यहाँ पे जो अतुल दिनकर राणे बिल्कुल करेक्ट है okay. Next, है ओके नेक्स्ट आपसे पूछा पर क्वेश्चन में कि बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है देखो शेफ डी मिशन हो गया शेफ डी कैबिनेट हो गया बेसिकली इनका मतलब होता है कि जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं उसमें एक यू you नो know, एक कोच की तरह तरीके से एक प्रोमिनेंट uh, पर्सन की तरह से काम करेंगे वहां पर तो आपको बताना है कि इंडिया के जो इंडिया कॉन्टिजेंट के अपकमिंग दो हजार बाईस विंटर ओलंपिक जो होंगे बीजिंग वाले उसमें शेफ मिशन किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है अगेन मुझे लग रहा है कि आपको इसका आंसर पता होगा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हरजिंदर सिंह ऑप्शन नंबर बी ठीक है B, तो इनको जो है पॉइंट किया गया है इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है ओके okay, तो यहाँ पे एक ये थोड़ा पॉइंट देख लीजिए इनको जो है ये ऑलरेडी ऑल्डी मिशन रहे हैं इंडियन कॉन्टीजेंट के फॉर द ट्वेंटी थर्ड विंटर ओलंपिक गेम जो 2008 में हुई थी ठीक है है बस यही पॉइंट बाकी सब सेम जो क्वेश्चन में था वही पॉइंट है नेक्स्ट देख देखो चीन में किस पूर्व भारतीय दूत को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है यानी आपको बताना है कि फॉर्मर इंडियन इनवर्ट चाइना जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर

ओके okay, यहाँ पे हिंदी में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो भी देख लीजिए अन्य दो डिप्टी एन एस ए जो अपॉइंट किए गए हैं उनमें है राजेंद्र खन्ना एंड दत्तात्रेय पटसाल भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है यानी आपको बताना है कि इंडियन ओरिजिन के जज कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है साउथ अफ्रीका की हाइएस्ट जुडिशियल बेंच में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर आपको बताना है ठीक तो है तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नरेंद्रन कोलापेन ऐसे कैची नाम होते हैं आपको एनीवेज नाम यहाँ पे ध्यान ही रहेंगे ठीक है तो इंडियन ओरिजिन के हैं नरेंद्रन कोलापेन जिनके बीच में जॉडी भी है इनको अपॉइंट किया गया है साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट ज्यूडिशियल बैंक में बेंच में द कोर्ट में 64 इयर्स के हैं ये उसके अलावा जो है बाकी सेम पॉइंट सही है ठीक है एक कोर्स uh, यहाँ पे जो है उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपॉइंट ही कर दिया गया था यहाँ पर जो है एक बहुत ही इनको दी गई है ठीक okay, है बताने हैं किसको अपॉइंट किया गया है बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ठीक है पंजाब नेशनल बैंक इसके एमडी और सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अतुल कुमार गोयल ठीक है तो अतुल कुमार गोयल को अपॉइंट किया गया है एंड ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी इन्होंने जो है अतुल कुमार गोयल को अप्रूव किया है उनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है जो यूसी बैंक के एमडी और सीईओ रहे थे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए एनर्जी एल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी एल e के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है ऑप्शंस देख लीजिए करेक्ट आंसर देखो विक्रम, विक्रम मिश्री हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है तो ये ऑप्शन एनी वेज यहां से चला गया है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी राधिका झा सी जब भी हम यू you नो know, कोई भी टॉपिक कर, कवर करते हैं चाहे अपॉइंटमेंट uh, हम लोग बात कर रहे हैं और भी बहुत टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे तो इसमें क्या पॉइंट होता है कि एक यू you नो know, कोई related, कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर नाम है ना तो वो बार बार उन टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा तो जो है बहुत टाइट इस वजह से रहते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर नाम की सारी डिस्क्रिप्शन याद रखोगे तो एनी आपका आंसर यू नो आप ऑप्शन uh, को पहले कट आउट कर सकते हो कि ये तो वहाँ पे नाम था तो यहाँ पे नहीं होगा ठीक है राधिका झा पे बिल्कुल करेक्ट है इनको जो है डबल ई एस एल इसका सीईओ अपॉइंट किया गया है ये 2002 की आईएएस कैडर यू नो रही है 2002 बैच की ठीक है डबल की बात करें तो ये एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में एनटीपीसी पावर ग्रिड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड आरईसी ठीक है जिसका बहुत ही सिंपल सा पर्पस है ताकि कंट्री में जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर सके नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल रामलिंगन रामलिंगम सुधाकर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है जस्टिस रामलिंगम सुधाकर ओके okay, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जो मणिपुर के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के मणिपुर हाई कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जस्टिस रामलिंगम सुधाकर इनको जो है एन का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है फॉर पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है पांच साल के लिए यहाँ पे भी हिंदी में नीचे भी सेम ही लिखा है कि इनको जो है पांच साल के लिए इस पोजीशन पे जो है अपॉइंट किया गया है ओके नेक्स्ट देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसके डीजी महानिदेशक अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है अगेन, है अगेन बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन सी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आपके लिए तो यू नो डायरेक्ट आंसर पता होना बहुत जरूरी है या फिर दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बोला कि आप बाकी नाम्स की भी थोड़ी यू नो अब जैसे यहाँ पे हमने चार नाम डिस्कस किए हैं तो काफी सारे नाम आप पहले देख चुके होंगे तो वहां से कट आउट हो जाएंगे तो ये चीजें जो है नोटिस करो तभी आपके लिए यू नो फायदेमंद रहेगा ये सेशन सारे करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शीलवर्धन सिंह तो तो शीलवर्धन सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है सीआईएसएफ में एज डीजी ठीक है सीआईएसएफ जो है विदाउट एक रेगुलर चीफ था मे ट्वेंटी जब से जो है चीफ सुबोध जायसवाल को इसके लिए अपॉइंट किया गया था नेक्स्ट राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दैट इज एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ठीक है इसका न्यू डीजी किसे अपॉइंट किया गया है नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है ये यह आपको यहाँ पे बताना है अगेन ऑप्शन देख रहे हो आप सेम से ही है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ पर आपको यहाँ पे पता है कि शीलवर्धन सिंह तो नहीं होगा तो यहाँ पे जो है ये एनी वेज यहाँ से हट जाएगा नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो आंसर बताना है दैट इज रिलेटेड टू एनडीआरएफ करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी अतुल करवाल ठीक है तो अतुल करवाल को जो है एनडीआरएफ का डीजी अपॉइंट किया है अगर करेंटली बात करें तो एस प्रधान जो है एनडीआरएफ के करंट चीफ है ठीक है ये सारी चीजें ध्यान रखना उसके अलावा यहाँ पे इसने एक और पॉइंट मेंशन कर दिया है एस uh, एन uh, प्रधान जो है अपॉइंट किए गए हैं रेगुलर डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ठीक है इट मींस कि अब हो सकता है कि फर्दर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना एस एन प्रधान ठीक है अतुल करवाल का हो गया है एनडीआरएफ का एस प्रधान जो है अब वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रेगुलर डीजी अपॉइंट कर दिए गए हैं मैं आपसे बोल रही थी वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, uh, Board, का, DG, किया गया है? किसी को हटाकर कोई पोजीशन दे दी है अगर वो, like, उसने ले दे, usually, वो, अगर किसी को एक पोजिशन पे होल्ड किया गया है उसने किसी ना किसी को रिप्लेस किया होगा तो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं घूम फिरा के वही ना यूनो you know, उनको जो है नेक्स्ट पोजिशन दे दी जाती है राइट right? तो इस तरीके से यू नो एक पूरा चेन फ्रेम हो जाता है इसको ध्यान रखना तो सत्यनारायण प्रधान, तो सत्य प्रधान. एग्जाम में ये मत कहना कि यार एस एन बोला था मैम ने तो ये तो सत्यनारायण पता नहीं क्या हो गया तो उनका फुल फॉर्म है सत्यनारायण प्रधान इनको जो है एनसीबी का डीजी अपॉइंट किया गया है अब जो है इनका यू नो अगेन केसेस होते हैं कि आप या तो अगले यू नो आदेश तक आप उस पोजीशन को होल्ड करके रखोगे या फिर कोई पर्टिकुलर डेट होती है या फिर कोई फर्दर ऑर्डर जब भी आएंगे उस तरीके से ठीक है उनकी अपॉइंटमेंट उस पोजिशन के लिए रहेगी ओके okay, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना है कि राज्यसभा में न्यू राज्यसभा के न्यू सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है यानी राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शंस आपके सामने हैं अगेन आप ऑप्शंस देख रहे हो पंकज कुमार सिंह शील वर्धन एसएन प्रधान तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं है करेक्ट आंसर जो बच रहा है ऑप्शन उसी में ही होगा पीसी मोदी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा ठीक है तो ये फॉर्मर सीबीडीटी चेयरमैन है पीसी मोदी इनको अपॉइंट किया गया है राज्यसभा में एज न्यू सेक्रेटरी जनरल इन्होंने रिप्लेस किसको किया है पीपी के रामचरेलू नाम यहाँ पे आप देख रहे हो पीपी -पी के रामचरेलू इट मीन कहीं ना कहीं ये नाम रिपीट हो गई होगा ठीक है अब आप आगे इसकी फर्दर एक डिटेल देख लीजिए रामचरेलू जो है इनकी, पी -पी के रामचरेलू इनको जो है अब राज्यसभा में एज एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया है आप पॉइंट समझ रहे हो यही सेम क्वेश्चन जो है हो सकता है फर्दर आगे किसी क्वेश्चन में देखने को मिले ठीक है तो अब इसको यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी इंडिया में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे अपॉइंट किया गया है ठीक है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ऑप्शंस आपके सामने हैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शोमबी शा ठीक है B, Shambi, तो ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक ऐसा होता है कि आप जो है अपने अवार्ड मिलना किसी न्यू पोजीशन पे अपॉइंट होना इट मीन्स आपने कुछ यू you नो know, बहुत अच्छा किया है अपने उस करियर में या उस पर्टिकुलर फील्ड में उस क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है इस वजह से आपको जो है अपॉइंट किया गया होता है या आपको अवार्ड मिलता है ठीक है तो यहाँ पे शौम्बिश आप जो है उन्होंने यही बोला है कि इन्होंने जो है एक बहुत ही इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए इनके पास अराउंड ट्वेंटी फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका करियर इस तरीके से है इनको जो है अपॉइंट किया गया है यू रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया ठीक है मोस्ट रिसेंटली सर्व रेसिडेंट कोडिनेटर इन आर्मेनिया इनका जो बिल्कुल रिसेंट जो करियर रहा है वो यहां पर रहा है जॉफ एलार्डिस को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का परमानेंट सी है जॉफिस को अपॉइंट किया गया है उसने क्वेश्चन में बता दिया है लेकिन आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको क्वेश्चन में पूछा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो ये तो सारी डिटेल हो गई है लेकिन इनको यहाँ पे इंटेरिम बेसिस पे रखा गया है ठीक है बेसिकली जो है यहाँ पे आफ्टर सर्विंग द रोल ऑफ एन इंटेरिम बेसिस फॉर मोर देन एट मंथ अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बताई दिया है कि परमानेंट सीईओ इनको अपॉइंट किया गया है पर पहले जो है आठ महीने से इंटेरिम बेसिस पर काम कर रहे थे राइट उसके अलावा जो मेन चीज है इन्होंने रिप्लेस किसको किया है इन्होंने रिप्लेस किया है मनु सोनी को ठीक है जिन्होंने जो है जुलाई में इस पोजीशन से रिजाइन कर दिया था इनका नाम ऑप्शन में सॉरी ये तो तो था ना तो ठीक है मनु सोनी जो है इनको जो है इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है अब हो सकता है कि अगर हम कोई भी यू नो इस तरीके से सीईओ वाले क्रिकेट से रिलेटेड सीईओ के नाम की बात करें तो कहीं आपको इनका मनु सोनी का नाम देखने को मिल जाए या साहनी जो भी इनकी है उस तरीके से ध्यान रखना इनका नाम देखने को मिल सकता है ओके सीबीआईसी सीबीआईसी फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट ऑन कस्टम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है विवेक जोरी प्रवीण सिन्हा एस एन प्रधान पीसी मोदी एस एन प्रधान नहीं होंगे पीसी मोदी नहीं होंगे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है दो ऑप्शंस है विवेक जोहरी या फिर प्रवीण सिन्हा

पहले महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया, किया गया है ऐसे गया है, है। इसीलिए जो है अभी इनके फर्स्ट डीजी को अपॉइंट किया गया है पॉइंट क्या है course, मैं आगे डिटेल में डिस्कस कर लूंगी तो आपको बताने की फर्स्ट डीजी जो है ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज का किसे अपॉइंट किया गया है ठीक है ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ई आर शेख ठीक है तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था इसको भंग कर दिया गया था ठीक है इसको जो है भंग करने का मतलब है इसको यू you नो know, बंद कर दिया था या इसको शट डाउन कर दिया था इसके ऑफिस को शट डाउन कर दिया था तो इसका जो सक्सेसर इसका जो यू नो फर्दर एक एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भंग करके बनाई गई है दैट इज ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज ठीक है तो उसके उस हिसाब से फर्स्ट डीजी किसको अपॉइंट किया गया है को दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखो भारतीय यानी इंडियन के न्यू वाइस चीफ किसे अपॉइंट किया गया है अगेन ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनको ध्यान रखना ठीक है इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है अब इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है नाम में कि वो इंडियन एयरफोर्स के थे नेवी के थे तो ये सारी बहुत सारी कंफ्यूजन uh, यहाँ पे क्रिएट हो जाती है करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर एयर मार्शल संदीप सिंह ठीक है उनको जो है पॉइंट किया गया है इन्होंने इन्होंने रिप्लेस रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने किया है है एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी को ठीक है उसके अलावा जो है यहाँ पे और बात करें तो इनको एज फाइटर पायलट जो है 1983 में ठीक है एयर मार्शल संदीप सिंह वॉज कमिशन इन द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ आईएएफ इन दिसंबर 1983 एज अ फाइटर पायलट ठीक है लड़ाकू पायलट के रूप में इनको शामिल किया गया था दिसंबर 1983 में भारतीय पुरुष बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है यानी इंडियन मेंस बॉक्सिंग टीम के हेड कोच के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र राणा ठीक है तो नरेंद्र राणा को जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो जो है रिप्लेस करेंगे जो मेंस के चीफ कोच रहे हैं सीए ए कटप्पा को और उनकी जगह बने कौन है नरेंद्र राणा ठीक है उसके बाद जो है राणा ने जो है हैज बीन अ सीजनड कोच कोच विद सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ठीक है तो इससे पहले जो है वो क्या, क्या काम कर रहे थे वो सीजनड कोच रहे हैं विद द सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ठीक है नेक्स्ट भारतीय खेल प्राधिकरण दैट इज साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फुल से सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको बताना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टॉप्स के लिए सीईओ किसे अपॉइंट किया है ये है क्वेश्चन ठीक है करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी पी के गर. ठीक है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है उन्होंने जो है इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था 1984 में एंड बहुत सारी यू नो इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स uh, के ये इंचार्ज रहे हैं इनका 34 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है ठीक है पूरी डिटेल उसने आपको दे दी है सी बनाए गए हैं किसके टॉप्स के एट द मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग सेम नेक्स्ट देखो भारतीय भारोलन महासंघ आईडब्ल्यू एल एफ दैट इज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेजिडेंट यानी अध्यक्ष के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए अगेन हो सकता है कि आपको यही सेम सेम ऑप्शन जो है देखने को मिले जब हम स्पोर्ट्स वाली कोई पोजिशन की बात करें करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी सहदेव यादव ठीक है तो इनको ये जो है आईडब्ल्यू एल एफ के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पहले अब जो है इनको यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट आई डब्ल्यू एल एफ का उसके अलावा जो है और जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई अपॉइंट किया गया है आनंद गोडे को, गोड़ा को गोडा और नरेश शर्मा को सेक्रेटरी जनरल एंड ट्रेजर ठीक है तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन में आ जाए नाउ सी, नरेश शर्मा ऑलरेडी ऑप्शन में था एस एच आनंदे गोड़ा ऑलरेडी ऑप्शन में था यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछा था हिसाब से वो ट्रेजरर पूछ लेता तो आंसर हो जाता आपका नरेश शर्मा इन केस आपसे क्वेश्चन में पूछा होता सेक्रेटरी जनरल तो इन दैट केस आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाता एस एच आनंदे गोड़ा ठीक है तो आंसर चेंजेस जैसे ही वो यू नो पोस्ट चेंज कर देगा तो ये भी चीजें यहाँ कोरिया गणराज्य की संस्कृति और कूटनीति के लिए सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए गुडविल एंड वॉय फॉर कल्चर एंड डिप्लोमेसी किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है अगेन थोड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट दे दिया है नाम आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी वेणु श्रीनिवासन ठीक है B, Venu, श्री तो ये टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन है, रहे हैं ऑल्सो श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी रहे हैं इनको जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए गुडविल एंड के लिए जो है अपॉइंट किया गया है नाम है इनका वेणु श्रीनिवासन ओके okay, नेक्स्ट देखिए भारतीय मूल की राजनेता अनिता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया यानी है, है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर कैनेडा ठीक है तो इनको जो किया गया है सिंपल uh, सा क्वेश्चन है नेक्स्ट नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये आपको दिया हुआ है ठीक है इसका जो है एक तो बेसिकली ये नवस्थापित है मतलब न्यूली सेटअप है ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसका चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन बना है ये आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के कामत इनका नाम भी आ, आपने सुना होगा ऑप्शन में भी ठीक है तो एक गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है केवी कामत को एक वेटरन बैंकर लाइक जैसे हम लोग बात करते हैं ना वेटरन एक्टर ठीक है जैसे हम अमिताभ बच्चन के लिए यूज करते हैं हेमा मालिनी के लिए यूज करते हैं तो सेम तरीके से वेटरन बैंकर है केवी कामत जो चेयरपर्सन बने हैं एक न्यूली सेटअप दो हजार करोड़ के तो सॉरी बीस हजार करोड़ के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की राइट नेक्स्ट देखिए CBDT, फुल्पॉर्टेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट CBIC, CBIC की हमने बात की थी सेम तरीके से यहां पे CBDT की बात हो रही है इसमें चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है पीसी मोदी नहीं होंगे बाकी ऑप्शन देखिए यहां करेक्ट आंसर आपको लग रहा है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जेबी महापात्र ठीक है तो जेबी महापात्र को जो है अपॉइंट किया गया है ठीक है अब यहाँ पे अब फॉर अगेन जेबी महापात्र का मतलब ये नहीं है कि उनका फुल नाम नहीं दिया हो सकता है जेबी महापात्र में है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ठीक है इनको जो है सीबीडीटी का न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है अर्लियर जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन के चीफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तौर पर इन्होंने अर्लियर सर्व किया है ठीक है तो इट मीन्स अपने वही बात अपने एरिया में बिल्कुल परफेक्ट है ओके आई एम होपिंग आंसर आपको पता होगा क्योंकि हमने ये अभी अभी इसी सेशन में जो है इसी टॉपिक में ये डिस्कस कर चुके हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आपको बताना है कि राज्यसभा के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बने अब इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर पी, पी के रामचरेलू ठीक है तो डॉक्टर पी, पी के रामचरेलू जो है इनको अपॉइंट किया गया है राज्यसभा का न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किसको इन किसने किया है एम इनको जो है अपॉइंट किया है ठीक है ऑल्सो ये राज्यसभा में के सेक्रेटरीट में 2018 से एज सेक्रेटरी जो है ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं तब से ओके okay, नेक्स्ट पूछा है हर्ष भूपेंद्र बंगारी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है यानी हर्ष भूपेंद्र बंगारी जो है इनको कौन से बैंक का न्यू एमडी अपॉइंट किया गया है एच डी एफ सी एक्सिम आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है एक्सिम बैंक दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट अगेन क्वेश्चन है बंगाली uh, पहले वो वहीं पे ही थे अब एम डी बन गए हैं अर्लियर ही हर्षा है गर्ल है शी विल रिप्लेस दी इनक्यूबेंट एम डी डेविड हु अपॉइंटेड फॉर रेस्किन हुई ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर्टीन ठीक है तो इन्होंने जो है है रिप्लेस किसको किया है? उनका नाम भी मैंने आपसे पे डिस्कस कर लिया है डेविड रेसिकुना ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा बट अगेन यू शुड बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट सिनारियो तो ये भी नाम ध्यान रखना नेक्स्ट पूछा है अडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी वाइस प्रेसिडेंट और एम के तौर पर अडोब इंडिया में किसे अपॉइंट किया गया है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा महापात्र तो आप देख रहे हो महापात्र वाले बंदोपाध्याय वाले ऐसे बहुत सारे नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसने कि आपको प्रतिभा महापात्र को अपॉइंट किया गया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड एम ऑफ अडोप इंडिया नेक्स्ट देखो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण दैट इज आई मतलब इनकम टैक्स अपीलियट ट्राइब्यूनल का प्रेसिडेंट अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए जी एस पन्नू ठीक है a, GS, और कुछ इसमें है नहीं वही बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है जीएस पन्नू को एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल ठीक है वो करंटली जो है इसी सेम जगह पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटेड किस राज्य सरकार ने एस के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है चेयरमैन रजनीश कुमार को एज इट्स इकोनॉमिक एडवाइजर डायरेक्ट सा क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में उसने बहुत सारी डिटेल आपको दे दी है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंध्र प्रदेश ठीक है तो यहां पर जो है वो

सिंह राय ठीक है इनको जो है NL, का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है उसके अलावा यही सारी इंफॉर्मेशन है सिंह जो है डायरेक्टर टेक्निकल हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ठीक है ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी वही सेम पॉइंट है यहाँ पे नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इकबाल सिंह लालपुरा बहुत सारे नाम हो चुके हैं तो जस्ट मेक अ लिस्ट ताकि आपको इजी रहे ये एक आईपीएस ऑफिसर है इकबाल सिंह लालपुरा जिनको अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में ठीक है अगेन अगर आईपीएस ऑफिसर है तो अगर इनको फॉर्मर है और फिर भी अपॉइंट किया गया है तो इट तो मीन इन्होंने अपने टाइम पर बहुत कुछ अचीव किया होगा इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं जैसे प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज शिरोमणि सिख साहित्य अवार्ड सिख स्कॉलर अवार्ड तो मतलब यू नेम इट और इनको अवार्ड मिला हुआ है नेक्स्ट देखिए नए सतत विकास लक्ष्य एस डी अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी न्यू एस एडवोकेट के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है अभिजीत बैनर्जी सेन कैलाश सत्यार्थी या फिर अजीम प्रेम जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी ठीक है तो ये नोबल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है कैलाश सत्यार्थी इनको जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने महासभा के 76 उसने बता दिया है कि 76 बैठक से पहले सतत विकास लक्ष्य एस का परोकार नियुक्त किया है एडवोकेट अपॉइंट किया है

अब नेक्स्ट चीफ अपॉइंट किया गया है ऑफ एयर स्टाफ करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है एयर चीफ मार्शल आर के बदोरिया इन्होंने 3 सितंबर को रिटायर कर लिया था बात करें कि उनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स यू नो मिल रखे हैं आप विवेक राम चौधरी की बात हो रही ही से मतलब जो है ठीक है रिसिपिएंट है परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल के एंड वायुसेना मेडल के राइट नेक्स्ट ओके नेक्स्ट आपसे पूछा है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन किसका इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन जिसको यू नो आई एफ यू एन ए अपने ठीक uh, you know, है ifuna, तो भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय संस्था संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यह आपको बताना है अगेन ऑप्शन देख रहे हो कहीं ना कहीं सेम सेम से लग रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो ये रिटायर्ड जस्टिस हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव फॉर्मर जज रहे हैं अलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ रहे हैं लोकायुक्त लोकायुक्त चीफ लोका रहे छत्तीसगढ़ के इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का आ, ही सक्सीड मुकुल संगमा जो कि मेघालय के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे नेक्स्ट देखो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है एज ए यू गवर्नर्स में बहुत सारे थी काफी, काफी चेंजेस तो यहाँ पर जो आई थिंक ये तो आंसर बहुत ही सिंपल से है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर्नाटक लिस्ट क्विकली uh, देख लेते हैं थावरचंद गहलोत कर्नाटका uh, हरिबाबू कंब कम्ब, कंबपति मिजोरम मंगूबाई छगन भाई, भाई पटेल मध्य प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश पी एस श्रीधरन पिलई सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा रमेश झारखंड एंड बंदारू दत्तात्रेय हरियाणा राइट नेक्स्ट देखो आ, सेम अभी चल रहा है लेकिन नाम वर्ड चेंज मतलब स्टेट चेंज हो गई है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बहुत ही डायरेक्ट सा है इट इज पता ही होना चाहिए क्योंकि इसमें यू नो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप ऑप्शन देख रहे हो बंदारू भाई राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंगू भाई छगमाई पटेल किए हैं सबके सपना करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रमेश बाईस ठीक है तो रमेश बाइस जो है एक यू नो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है बीजेपी वेटरन है ये जो है बन गए हैं झारखंड के न्यू गवर्नर इन्होंने रिप्लेस किया है आई ये तो पता ही होगा द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने रिप्लेस किया था ओनली वेमेन है जिन्होंने ये स्टेट का कोई पोस्ट यू नो हेल्ड किया हुआ था जब से 2000 में ये बनी थी ये का मतलब है झारखंड बना था ठीक है मुर्मू जो है अपॉइंट की गई थी नाइन्थ गवर्नर इन टू मे टू ट्विटर द्वारा भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वी ऑल नो कि बीच में टाइम ऐसा आया था कि यू नो ट्विटर फेसबुक जितने भी ये सोशल मीडिया वाले हैं इसमें आ गया था किसी आपको, एक करना पड़ेगा कि इन केस इनके ग्रीवेंस हो जाता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग किसको अपॉइंट करें uh, किसको यू नो कॉन्टेक्ट करें दैट केस अगर मेजर इशू हो जाता है थे? तो इसलिए ग्रीवेंस ऑफिसर जो है ट्विटर का इंडिया के लिए किसको अपॉइंट किया गया था ये आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर है, है आपको C, बिने प्रकाश। तो यही पॉइंट जैसे मैंने आपसे बोला ये तो पता चल गया विनय प्रकाश इनको किया गया है ठीक है उसके अलावा इंडिया ने इन्फोर्स किया है इंटरमीडियर गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिससे सोशल मीडिया कंपनीज को जो है रेगुलेट किया जा सके एज वेल एज ये सिर्फ उसके लिए नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है नेक्स्ट देखिए किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है यानी राज्यसभा में लीडर ऑफ दी हाउस जो है किस यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है आपको बताना है धर्मेंद्र प्रधान पीयूष गोयल नरेंद्र सिंह तोमर या फिर नितिन गडकरी अगेन आई एम होपिंग कि यह आंसर आपको पता होगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है पीयूष गोयल ठीक है तो यूनियन मिनिस्टर है फॉर कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल इन्होंने रिप्लेस किसको किया है थावरचंद गहलोत को थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटका के न्यू गवर्नर है सीमा सुरक्षा बल बी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका न्यू डीजी किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है ऑप्शंस देख लीजिए सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पंकज कुमार सिंह है तो ये सिंपल uh, सा क्वेश्चन था वही सेम हमने डिस्कस किया है सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया है बीएसएफ का न्यू डीजी सेम लेवल को फॉलो करेंगे आईटीबीपी के चीफ के तौर पर प्रमुख के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है नाम देख रहे हो अगेन सब सेम सेम से ही है यहाँ पे आप देख लीजिए हमने बात कर ली ऑलरेडी पंकज कुमार सिंह की तो ऑफकोर्स यहाँ पे पंकज कुमार सिंह तो आंसर नहीं होगा ठीक है इनको हटा देंगे यहाँ से अब आपके पास जो है तीन ऑप्शंस बचे हैं संजय अरोड़ा राकेश अस्थाना एस एस देसवाल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए संजय अरोड़ा आई टी बी पी बी एस एफ अलग है आई टीबीपी अलग है तो इसको ध्यान रखना ठीक है तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है न्यू आई टीबीपी उसके अलावा बात करें इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड की तो ये नाइनटीन एटी एट बैच के आईपीएस ऑफिसर है तमिलनाडु से ठीक है अब जो है डीजी आईटीबीपी के डीजी बन चुके हैं अगेन आपको पता है कि जो इनकी पोस्ट होल्डिंग वाली होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट जरूर दी जाती है या फिर जो भी अगर कोई फर्दर ऑर्डर आता है उस हिसाब से ये लोग कर लेंगे अपॉइंटमेंट नेक्स्ट देखो आरबीआई ने किस बैंक के के रूप में संदीप बख्शी की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है यानी आपको बताना है कि आरबीआई ने अप्रूव किया है संदीप बख्शी को रीअपॉइंट करने के लिए एज एमडी सीईओ किस बैंक का एक्सिस आईसीआईसीआई एच डी एफ सी पी एनबी पी एनबी ऑफकोर्स नहीं होगा हमने वो डिस्कस कर लिया है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई ने प्रूव किया है संदीप बख्शी को रीअपॉइंट करने का एज एम डी और सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ठीक है वो अक्टूबर पंद्रह दो हजार इक्कीस से इफेक्ट में आ चुकी है एंड इनका टेन्योर जो है कंटिन्यू रहेगा अक्टूबर थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ किसेन जो है बनाई गई थी बट यहाँ पे ना जल्दबाजी में जो उनके यूनियन मिनिस्टर उनका नाम ढूंढने लग जाना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ज्वाइंट सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है ये है क्वेश्चन में ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी अभय कुमार सिंह ठीक है तो अभय कुमार सिंह को ये न्यूली फॉर्मड मिनिस्टर ऑफ कॉपोरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है ठीक है uh, अच्छा उसके अलावा जो है मेन चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जो मैं आपसे कह रही थी कि यूनियन मिनिस्टर का नाम मत ढूंढने लग जाना यूनियन मिनिस्टर जो है इसका बनाया गया है अमित शाह को आई थिंक ये आगे क्वेश्चन मिलेगा तो इसको ध्यान रखना यहाँ पर ओके इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक डायरेक्ट हो गया है ठीक है, सी हमने आईसीआईसीआई कवर कर लिया है हमने पीएनबी कवर कर लिया यहाँ पे बात हो रही है इंडियन बैंक की ठीक है ऑप्शन नंबर ए शांतिलाल जैन आई डेंट रियलाइजने फिफ्टी क्वेश्चन फर्स्ट हो गया पचास क्वेश्चन हमने कवर कर लिया मतलब वी आर हाफ द वे तो हम होपिंग पचास में से यार एटलीस्ट आपके यू नो ट्वेंटी फाइव थर्टी क्वेश्चन करेक्ट होंगे तभी आपकी प्रिपरेशन यू नो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो वो स्ट्रॉग तभी दिखेगी राइट और कुछ भी नया नहीं है ये सारे क्वेश्चन हम लोग अपने यू नो डेली करंट अफेयर सेशन में कवर करते आए हैं डेली बेसिस पे ओके okay, तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है शांतिलाल जैन को जो है इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स ठीक है अभी जो करंटली बात बात करें वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड उन्होंने रिप्लेस किया है पद्मजा चुंदरू को ठीक है हुज टर्म द पब्लिक सेक्टर बैंक वुड एंड ऑन अगस्त थर्टी वन मतलब वो खत्म हो चुका है नेक्स्ट देखो ला गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं यानी ला गणेशन कौन से स्टेट के न्यू गवर्नर बने हैं गवर्नर्स के बहुत सारे हमने देख लिए कितनी ज्यादा यू नो चेंजेस देखने को मिली हैं करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर ठीक है तो तमिलनाडु के एक सीनियर बीजेपी लीडर है लागनेशन, इनको किया गया मणिपुर का न्यू गवर्नर ठीक है मणिपुर लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली नेक्स्ट देखो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी कॉमनवेल्थ गेम गेम्स फेडरेशन का CEO किसे अपॉइंट किया गया है अगेन बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैटी सेडले ठीक है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है उसके अलावा जो है 2016 से वो विमेन रग्बी की रग, वर्ल्ड रग्बी में जनरल मैनेजर रही है भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है अगेन बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि इंडियन विमेन में नेशनल टीम इंडियन वुमेन्स के लिए नेशनल टीम कोच किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस डेनरबी अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन था ये उसमें और कुछ नहीं है बेसिकली इनको जो अपॉइंट किया गया है आगे की तैयारी कराने के लिए ठीक है किस चीज की तैयारी कराने के लिए जो 2022 का एएफसी एफ वुमेन एशियन कप है उसके लिए इनको जो है तैयारी कराने के लिए अपॉइंट किया गया था भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में एक वर्ष का विस्तार किसे दिया गया है यानी आपको बताना है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के तौर पर एक साल का एक्सटेंशन यानी एक साल का विस्तार किसे दिया गया था ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजीव गौबा ठीक है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ये एक फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी रहे थे दो में इनको अपॉइंट किया गया था टू द कंट्रीज टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट फॉर टू इयर्स राइट सिंपल सा क्वेश्चन है उसके अलावा जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी पदाधिकारी हैं वे झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं मतलब इन्होंने बहुत सारे अगेन एक पर्सन बहुत सारी पोजीशंस पे यू नो चल के ही एक्सपीरियंस लेता है नेक्स्ट देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज ZSI के निर्देशक के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको यहां पर बताना है ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है रेखा मैंने धृति बैनर्जी सोमा मॉडल या फिर उषा पाड़े ठीक है यह आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी धृति बैनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए धृति धृति बैनर्जी जो है यहाँ पे बन गई हैं फर्स्ट वुमेन जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर

विशेष व्यापार दूत के रूप में किसे नामित किया गया है अब ये भी नॉन पर्सनैलिटी है आंसर है जो है है करेक्ट आपको ऑप्शन नंबर सी टोनी अबॉट ठीक पे बात हो रही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तो ये जो टोनी uh, अबोट है वी ऑल नो ये हमारे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं ठीक है ठीके? इनको जो है अपॉइंट किया गया है अब स्कॉट मॉरिसन के स्पेशल ट्रेड इन फॉर इंडिया ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में यू नो एक बायोलेचुरल ट्रेड को इन्वेस्टमेंट को यू uh नो प्रमोट किया जा सके कि उसको बढ़ाया जा सके ताकि वो यू you नो know, एक होता है कि इन्वेस्टमेंट करना एक होता है ट्रेड बायोलिटल ट्रेड को इंक्रीज करना लेकिन उसका फुल पोटेंशियल लेना तो इस थॉट प्रोसेस से जो है है इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के न्यू डीजी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वीरेंद्र सिंह पठानिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान आईसीजी काउजेंड किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ कंट्री मतलब इनके हिस्से में जो है हम लोग कह देते हैं अच्छा इसका अपॉइंटमेंट इनका डीजी जो है बनाया गया है बट उसका एरिया जो है you know, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आईसीजी की इंडियन कोस्ट गार्ड की तो उनका जो एरिया का कोस्ट लाइन है दैट इज अराउंड सेवन थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग मतलब सात हजार किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन को जो है तट रेखा को ये कवर करेंगे इतने एरिया का जो है इनको प्रभार जो है दिया गया है ठीक है करंटली अगर बात करें तो ये एडिशनल डी जी है एट दी कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन का डिशनल डीजी सी डीजी अलग चीज है एडिशनल चार्ज अलग चीज हो जाता है तो एडिशनल चार्ज जो है डीजी का एनआईए का वो किसे दिया गया है आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है राकेश अस्थाना कुलदीप सिंह सुबोध कुमार जयसवाल वाई सी मोदी नाम देख रहे हो सिमिलर सिमिलर से हैं करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुलदीप सिंह ठीक है सिंपल सा पॉइंट है बस यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है मोदी इन केस अब मेमोरी वो पिछली वाली ही चल रही होगी तो आप वहां पे ऑप्शन कौन सा मार्क कराओगे ऑप्शन नंबर डी और फिर गलत हो जाएगा यहाँ पर जो है इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है कुलदीप सिंह ने इस पोस्ट को होल्ड कर लिया है राइट नेक्स्ट एनएचआरसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है एनएचआरसी का हेड uh, किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन देख लीजिए सारे के सारे जस्टिस हैं करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जस्टिस ए के मिश्रा ठीक है C, अब बात कर लेते हैं एनएचआरसी की दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ठीक है इसका जो चेयर पर्सन नियुक्त किया गया है रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अरुण कुमार मिश्रा अब फिर अगेन ए के मिश्रा मतलब अरुण कुमार मिश्रा गलती से यू नो भूल मत जाना और फिर कहना कि गलत हो गया आंसर ठीक है उसके अलावा जो है आयोग के सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं उनमें इंक्लूडेड हैं जस्टिस महेश मित्तल कुमार और जस्ट और डॉक्टर राजीव जैन इनको जो है मेंबर के तौर पे कमीशन का अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट देखो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमौथ को नियुक्त किया गया है अगेन एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि डॉक्टर पैट्रिक अमौथ जो है कौन सी कंट्री के का आपको बताना है जिनको अपॉइंट किया गया है डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अध्यक्ष के तौर पर तो सी सिर्फ आपको डॉक्टर पेट्रिक मौत के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है मतलब उनका नाम ऑप्शन पूछा जा सकता है ऑप्शन आपके लिए आपके लिए आपके लिए से से करेक्ट है। राइट नेक्स्ट और कुछ इसमें पॉइंट नहीं है डिस्कस का किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है यही सेम क्वेश्चन में भी आई थिंक हम कवर करेंगे या कर चुके होंगे अभी तक ठीक है तो किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ये बहुत ही यू you नो know, अपने काम में एकदम बढ़िया टीचर है एजुकेटर है ये करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी हाँ पर रंजीत सिंह डिसाले ठीक है सिंह जो है 2020 के अब कंफ्यूज मत होना ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है इनको दिया गया था लेकिन 2020 में ठीक है तो ये जो है इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक में एज ए कंसल्टेंट एंड इस पोजिशन को अपॉइंट किया गया है जून 2021 से जून 2024 तक ठीक है नेक्स्ट देखो किस का अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ दैट इज ब्यूरो के सदस्य के सदस्य रूप में चुना गया है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो में uh, किसको एज ए मेंबर अपॉइंट किया गया है यह आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन देख लीजिए अनिल कुमार वीरेंद्र नानावती uh, दिगंबर वी कामत या फिर कमलेश नानावती करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र नानावती ठीक है ये सिंपल सा पॉइंट है ये फर्स्ट इंडियन है जिसको इलेक्ट किया गया है एज अ ब्यूरो मेंबर ऑफ द फीना इनको इलेक्ट किया ही वाज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया किस भारतीय को यूएनजीए के 76वें सत्र के मनोनीत अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है क्वेश्चन सिट्रप ये भी हो सकता था कि यूएनजीए के 76वें सत्र में मनोनीत अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था या कौन है वहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यू, शेफ डी मिशन, शेफ डी इनका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि जिस भी वो सीनारियो में उनको अपॉइंट किया गया है वो वहां पर जो है एक यू नो हेड के तौर पर काम करेंगे इनको जो है यहाँ पर अध्यक्ष यानी जो प्रेसिडेंट है शाहिद अब्दुल्ला उसका शेफ डी कैबिनेट जो है, इनको यहाँ पर किया गया है। अब यहां पर सिंपल मैं बात तो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे पूरा डिटेल जो होगा इनके पास होगा शेफ डी कैबिनेट को जो भी हेल्प की जरूरत होगी शेफ डी कैबिनेट का सिंपल टर्म होता है पर्सनल सेक्रेटरी ठीक है करेक्ट आंसर जो आपका यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी के नागराज नायडू ठीक है के नागराज नायडू मैंने आपको उनकी पूरी डिटेल दे दी है uh, उसके अलावा पहली बार किसी भारतीय राजनयिक को यह पद दिया गया है और उनका कार्यकाल एक साल का होगा सिंपल पॉइंट चलिए नेक्स्ट देखिए उन कैड दैट इज यू एन सी टी ए डी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कि पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आई डोंट डों बताने की जरूरत है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेबेका रेबेका चलिए तो को अपॉइंट किया गया है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ठीक है और फर्स्ट वुमेन है एंड सेंट्रल अमेरिकन भी है जिन इस पर्टिकुलर जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाली ठीक है बस इतना पॉइंट इनफ है चलिए नेक्स्ट देखिए किस भारतीय को डब्ल्यू एच ओ वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है यानी डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में किसको जो है किस इंडियन को ऑनरेरी मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है यह आपको जो है यहां पर बताना है ऑप्शन देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए मुकेश कुमार राइट तो ये आई कानपुर के प्रोफेसर है मुकेश कुमार एक एयर क्वालिटी एक्सपर्ट भी हैं जिनको यहाँ पर जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है ठीक है जो डब्ल्यू एच टीएजी का मतलब क्या है बेसिकली आपका ये टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप टीएजी ये एक एडवाइजरी बॉडी है डब्ल्यू को जो कि प्रोवाइड कराती है टेक्निकल गाइडेंस ठीक है मतलब बेसिकली एक सलाहकार निकाय है ये ओके सिंपल क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा डिस्कशन वाला कोई पॉइंट है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य नडेला ठीक है इन्होंने ओवर किया है एज सीईओ इन 2014 सक्सीडिंग स्टीव बामर राइट और इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है ओके नेक्स्ट देखिए विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है यानी आपको बताना है कि इंडिया के परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में काउंसलर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन देख रहे हो एक दो नाम काफी रिपीटेड से हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आशीष चंदौरकर चंदौरकर ठीक है तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर इन परमानेंट मिशन इन जिनेवा फॉर अ पीरियड ऑफ साल के लिए जो है इनको इस पोजिशन पर आशीष चंदौरकर को इस पोजिशन पर अपॉइंट किया गया है ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन इज अ फर्स्ट एट द मिशन ठीक है एंड बस यही पॉइंट है यहाँ पे ये है इस साल के अंत में विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण मंत्री स्त, मंत्री स्तरीय सम्मेलन में से से पहले आता है बिल्कुल बेसिक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन सिर्फ नाम ध्यान रखो एंड दैट्स इट चलिए नेक्स्ट देखिए दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में क्वेश्चन है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कर्नम मलेश्वरी आई थिंक इसका आंसर आपको पता ही होगा ठीक है कर्णम मलेश्वरी बिल्कुल करेक्ट है ये एक फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट है वेट लिफ्टर है कर्णम मलेश्वरी जिनको डेली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है ओके okay. UNDP के एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी UNDP में अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शंस आपके सामने हैं स्वाति मोहन भव्यलाल उषा राव मुनारी या फिर सौम्या स्वामीनाथन करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी उषा राव मुनारी ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिया है उसके अलावा अगर बात करें द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यू इज़ द यूएन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क सिंपल सा उसने पॉइंट बताया है आपको और कुछ नहीं है पॉइंट इसमें ओके okay. संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के सचिव के रूप में किस भारतीय मूल के इन्वेस्टमेंट बैंकर को नियुक्त किया गया है यानी इंडियन ओरिजिन के इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है ऑप्शंस में से उनको अपॉइंट किया गया है ताकि वो लीड कर सके यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड तो वो कौन है इंडियन ओरिजिन के इन्वेस्टमेंट बैंकर ये आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी प्रीति ठीक है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है यूएन सीडीएफ सी जो है साल 1966 में बना था इसका क्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका काम है कि जितने भी कम विकसित देश है उनको छोटे कर्ज दिलाना ठीक है नेक्स्ट ओके okay. जलवायु मह, महत्वाकांक्षा और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी यूएन स्पेशल एम्बॉय ऑन क्लाइमेट एम्बिशन एंड सोल्यूशन में किसे रीअपॉइंट किया गया है अगेन आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है माइकल ब्लूमबर्ग तो बस यहाँ पे देख लेते हैं बाकी सेम पॉइंट ही है जो क्वेश्चन में पूछा था ब्लूमबर्ग जो है फाउंडर है और ओनर है ब्लूमबर्ग एल का जो कि पेरेंट कंपनी है ब्लूमबर्ग न्यूज की बस आपको बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वो काम क्या करते हैं नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने हैं अगेन ऑप्शंस देख रहे हो अजय सिंह ब्रिजभूषण चरण सिंह थोड़े रिपीटेड से लग रहे हैं करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एस एन सुब्रमण्यम ठीक है तो एस एन सुब्रमण्यम जो है बन गए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया है उसके अलावा जो है और बात अगर हम करें यहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अपॉइंट किया है इनको जो कि एल एन डी लिमिटेड के सीई और एम डी है अब इनको जो है फॉर द पीरियड ऑफ थ्री नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट देखो किस भारतीय अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है यानी इंडियन अमेरिकन है जिनको नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है आई एम होपिंग इसका आंसर आपको पता होगा करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए है भव्य लाल ठीक है तो इंडियन अमेरिकन है भव्य लाल जिनको इस पोजिशन पर अपॉइंट किया गया है इन्होंने सर्व किया है एज मेंबर ऑफ रिसर्च स्टाफ एट इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस

प्रेसिडेंट के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है मनमोहन सिंह अरविंद सुब्रमण्यम एनके सिंह या फिर रघुराम राजन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एनके सिंह सिर्फ मनमोहन सिंह या रघुराम राजन का नाम देखकर इनको मत करने लग जाना ठीक है तो एनके सिंह यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है जो कि चेयरमैन है फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के इनको अपॉइंट किया गया है आई सोसाइटी .E का प्रेजिडेंट ठीक है मनमोहन सिंह ने जो है

एस चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू किया गया है ठीक है सिंपल सा पॉइंट है तीन साल का एक्सटेंशन को दिया गया है इन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड किया था अगस्त में ओके किस भारतीय अमेरिकी वकील को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त नामित किया गया है यानी इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी कौन है जिनको नॉमिनेट किया गया है एम्बेसिडर एट लार्ज के तौर पर फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे आपको दैट इज ऑप्शन नंबर सी रशद प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन उन्होंने नॉमिनेट किया है इंडियन अमेरिकन अटोर्नी रशद हसैन को ठीक है एस एम्बेसिडर एट लार्ज ठीक है तो बेसिकली फर्स्ट मुस्लिम है जिनको नॉमिनेट किया गया है टू द की पोजिशन अकॉर्डिंग टू दी व्हाइट हाउस

ठीक है इन्होंने रिप्लेस किसको किया है वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ठीक है इनको जो है इन्होंने रिप्लेस किया है उसके अलावा जो है इस यू you नो know, इनको कमीशन कब किया गया था इनको कमीशन किया था वन जनवरी नाइनटीन एटी फोर को इनको अवार्ड दिया गया है अति विशिष्ट सेवा मेडल ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड से नौसेना मेडल इन टू थाउजेंड अगेन अपने काम में बिल्कुल माहिर हैं नेक्स्ट देखो राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हमने राज्यसभा के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं लीडर हमने कर लिया है लीडर ऑफ दी हाउस यहाँ पे बात हो रही है डिप्टी लीडर ऑफ दी हाउस किसे अपॉइंट किया गया है कंफ्यूज मत हो जाना करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी मुख्तार अब्बास नकवी ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी एज अ डिप्टी लीडर

ठीक है और कुछ इसमें पॉइंट नहीं है नेक्स्ट ओके okay, ये भी आंसर आपको फॉर श्योर sure अभी तक पता ही होगा क्योंकि तो हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं नवगठित सहकारिता मंत्रालय यानी जो न्यूली फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है उसका चार्ज किसको दिया गया है ये आपको बताना है ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर अमित शाह ठीक है ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि जो यूनियन मिनिस्टर्स काफी सारे चेंज हो गए थे काफ़ी सारे पोजीशंस चेंज की गई थी वो कौन सी कौन सी है वो देख लेते हैं यहाँ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरेन रिजीजू विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी टेक्सटाइल में पियूष गोयल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी एस एम नारायण राणे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार And daring, या है, ध्यान okay. Next है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिला दिया गया है इस मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है नॉइंट इसको बताना है कि उसने आपको बता दिया खेल ये तो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ क्लब कर दिया गया है इसका चार्ज किस मिनिस्टर पॉइंट you know, इज कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को हेल्थ के साथ कंबाइन क्यों गया ऑल नो कि हेल्थ जब हमारी दवाइयां बनती है तो हाँ, काफी सारे यू नो केमिकल्स की जरूरत पड़ती है या कोई भी चीज इस तरीके से बनती है तो कभी कभी क्या होता था कि दूसरे मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था ठीक है तो अब ऐसा जो है इन्होंने इन दोनों को क्लब कर दिया ताकि अब जो भी है कहीं से अप्रूवल लेने का टाइम वेस्ट ना हो एंड दे कैन क्विकली वर्क अगर कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा तो ठीक है तो इस थॉट प्रोसेस से जो है इनको आ, क्लब कर दिया गया है उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे जो न्यू हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन बन गए हैं मनसुख मंडाविया जी किशन रेड्डी तेलंगाना राज्य से पहले कैबिनेट मंत्री बने हैं उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है उसने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है तेलंगाना से उनको कौन सा यू नो मिनिस्ट्री सौंपा गया है करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी ए मतलब कल्चर एंड टूरिज्म एंड बी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ठीक है यानी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ये दोनों जो है इनको दिए गए हैं ठीक है तो ये तेलंगाना जब से फॉर्म हुआ दो हजार के बाद से फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो जो फॉर्मर यूनियन यूनियन मिनिस्टर थे स्टेट के लिए जी किशन रेड्डी इनको जो है एलिवेट कर दिया गया है एज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमने डिस्कस कर लिया है नाम हमने यहाँ पे बता दिया था जी किशन रेड्डी ये तो डिटेल उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दे दी थी जो अब इनको एलिवेट कर दिया गया है भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं अगेन बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है और ये आंसर आपको पता ही होगा इसलिए ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव चलिए शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय को एक साथ मिला दिया गया है अगेन उसने क्या किया है अब क्या चेंजेस आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को क्लब कर दिया गया है न्यू एजुकेशन मिनिस्टर और फर्टिलाइजर्स को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के साथ क्लब कर दिया गया है सेम तरीके से भी ऑल नो कि एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट जो है दे शुड गो हैंड इन हैंड ठीक है जितने भी लोगों हम बहुत सारी यू you नो know, uh, जो एक टॉपिक करेंगे हम लोग स्कीम्स uh,

एजुकेशन uh, मिनिस्टर थे रमेश पोखरा निशंक उनको जो है उन्होंने रिप्लेस किया है नेक्स्ट देखो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट अगेन मुझे लग रहा है इसका आंसर आपको पता होगा कि जस्टिस एनवी रमना जो है उनको सीजी सीजेआई अपॉइंट किया गया है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है एंड वो कौन से नंबर के सीजीआई बने हैं वो आपको बताना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 48 राइट ठीक है सी अभी जब हम कोई भी न्यू सीजे आई अपॉइंट करते हैं तो उनकी जो सिफारिश होती है या उनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो पुराना सीजेआई ही करता है जैसे यहाँ पे हुआ ठीक है यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या था ये तो उसने बताई दिया कि जस्टिस एन वी रमना बने हैं जो हमारे प्रीवियस सीजे आई थे दैट इज जो फोर्टी सेवेंथ वाले थे एस ए बोबड़े मेंशन है सीजे आई एस ए बोबड़े इन्होंने ही इनके नाम की सिफारिश की थी जिसको यू you नो know, हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के रामनाथ कोविंद उन्होंने जो है इनको एक्सेप्ट किया इनकी सिफारिश को रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है एंड जो है अब वो बन गए हैं एन वी रमना बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर ठीक है India, uh, की, ये ध्यान रखना भारत के नए मुख्य सांख्यिकी यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है चीफ स्टार्टिस्टिशन ऑफ इंडिया ऑप्शंस आपके सामने है डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन डिस्कस वाला इस, बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट बनता नहीं है करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीपी सामंत ठीक है बस यहाँ पे एक ही चीज ऐड की गई है कि इनको दो साल के लिए जो है है अपॉइंट किया गया नेक्स्ट देखो किसको जो है बनाया गया है असम राइफल्स का डीजी यानी महानिदेशक ठीक है असम राइफल्स का न्यू डीजी महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन देख रहे हो कुलदीप सिंह सुबोध जायसवाल प्रदीप चंद्र नायर सुखदीप सांगवान ठीक है ये सारे नाम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अभी फर्दर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर यहाँ पर असम राइफल्स के ट्वेंटी फर्स्ट डीजी बने हैं जिसको पॉपुलरली कहा जाता है सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट ठीक है बस ये है इन्होंने जो है ये बन गया है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे बस ये पॉइंट है इसमें चलो नेक्स्ट रिपोर्ट सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सीबीआई का न्यू डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है वाईसी मोदी नहीं होंगे उसके अलावा राकेश अस्थाना नहीं होंगे करेक्ट आंसर जो आपको यहां पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी सुबोध कुमार जयसवाल ठीक है दो साल के लिए जो है सीबीआई का इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र कैडर के ऑल्सो इन्होंने महाराष्ट्र में डीजीपी के तौर पर भी सर्व किया है क्स्ट देख बीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट में हेड के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है है ये जो है आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शबीर ठीक है, तो गुजरात के फॉर्मर डीजीपी हैं शबीर हुसैन जिनको जो है जिन्होंने पोजीशन ली है अजीत सिंह से और अब बन गए हैं बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के हेड Uh, उसके अलावा जो है uh, बात हो रही है अजीत सिंह की डीजीपी राज, राजस्थान के फॉर्मर डीजीपी हैं ठीक है एंड अप्रैल टू थाउजेंड एटीन में ज्वाइन किया था मार्च थर्टी वन को इनका टर्म एंड हो गया दैट्स इट नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है अटल इनोवेशन मिशन एम के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है सिंपली uh, आपको बस यहाँ पे आंसर बताना है ठीक है तो अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक यानी मिशन डायरेक्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर चिंतन वैष्णव ठीक है इनको अपॉइंट किया गया है एम यानी अटल इनोवेशन मिशन का न्यू मिशन डायरेक्टर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है वो इंपॉर्टेंट है इन्होंने रिप्लेस किया है रामनाथन रमनन को रिप्लेस किया है जो कि फर्स्ट मिशन डायरेक्टर बने थे एम के जून 2017 में ओके okay, सेम जैसे हमने ट्विटर की बात की है सेम तरीके से फेसबुक क्योंकि मैंने आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था कि अब जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सोशल के लिए जो है इंडिया ने एक अलग से यू नो लॉ पास किया है कि देखो ऐसा नहीं चलेगा होंगी एंड उनको टेक केयर कौन करेगा इस पॉइंट से जो है इन चीजों को किया गया है तो इंडिया में फेसबुक का ग्रीवेंस ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्पूर्ति दिया ठीक है तो फेसबुक ने ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए स्पूर्ति प्रिया को अपॉइंट किया है ठीक है तो गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल मीडिया जिसमें सोशल मीडिया कंपनी जिनके जो यूजर्स है वो पचास लाख से ऊपर है उनको ग्रीवेंस ऑफिसर जो अपॉइंट करना होगा साथ में नोडल ऑफिसर और एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा मतलब जिसके 50 लाख यूजर्स से ज्यादा है उनको जो है यहाँ पे इस तरीके से तीन ऑफिसर्स यानी ग्रीवेंस ऑफिसर नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना ही होगा ठीक है अध्यक्ष के रूप में चेयरपर्सन गया है ये आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन देख लीजिए सोमा मॉडल मल्लिका श्रीनिवासन सौरभ गर्ग जीपी सामंत जीपी सामंत हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पे वो आंसर करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन हटा दीजिए इससे आपको इजी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर मल्लिका श्रीनिवासन ठीक है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक और पेंशन ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ मल्लिका श्रीनिवासन एज चेयरपर्सन किसका पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का ठीक है सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है यानी सिडबी का चेयरमैन और एमडी सिडबी क्या है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का एमडी और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है ऑप्शंस देख लीजिए तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जीपी सामंत नहीं होगा तो एक ऑप्शन अगेन आपके पास यहाँ से चला गया है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एस रमन ओके अभी एस रमन की बात करें करंटली वो सीईओ है किसका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के वो करंटली सीईओ है एंड इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एज चेयरमैन एंड एमडी सिडबी का एंड इनके अपॉइंटमेंट जो है तीन साल के लिए है है किस भारतीय को संयुक्त राज्य अमेरिका के के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल रूप में नियुक्त किया गया डायरेक्ट सा क्वेश्चन है इंडियन अमेरिकन कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है यूएस में एज अटॉर्नी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ठीक है डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ऑप्शंस आपके सामने है करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए वनिता गुप्ता ठीक है तो यूएस सीनेट ने कंफर्म किया है वनीता गुप्ता को कि वो सर्व करेंगे यूएस में एज एसोसिएट अटोर्नी जनरल मेकिंग हर पहली इंडियन अमेरिकन जो इस पर्टिकुलर रोल को सर्व करेंगी तो इस वजह से जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा सीमा सड़क संगठन B.R.O भारत में ऑफिसर कमांडी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है

वो फर्स्ट वेमेन ऑफिसर बन गई हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज ऑफिसर कमांडिंग इन बी आर ओ इंडिया वो जो है रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके थ्रू इंडो चाइना बॉर्डर रोड ठीक है इनका जो है ये काम है जो कि बहुत ही एक्चुअली यू नो चुनौतीपूर्ण काम है या बहुत ही डेडिकेटेड काम है बहुत ही ज्यादा यू नो पूरा फुल ऑफ यू नो ऐसा टफ काम है ये जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको करना होगा ऑफ़ कोर्स करी नहीं है नेक्स्ट देखो जगजीत पवाड़िया वो अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसने बता दिया है कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को बोर्ड में प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है जगजीत पवाड़िया को इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बिल्कुल हटके क्वेश्चन है ये आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी वियना ऑस्ट्रिया में ठीक है एक रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम के ऑफिसर हैं ये जगजीत पवाड़िया जिनको आईएनसीबी एन सी बी इसमें प्रेसिडेंट मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं जिनको इलेक्ट कौन करता है इकोसॉक दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका हेडक्वार्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दैट इज ए बी ऑस्ट्रिया में यूएन ह्यूमटेरियन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है यूएन ह्यूमिटेरियन चीफ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है कि आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर आपको बताना है दैट इज ऑप्शन नंबर बी मार्टिन ठीक है तो यहां पर उसने आपको बता दिया कि यूएन चीफ ने अपॉइंट किया है वेटरन ब्रिटिश डिप्लोमैट मार्टिन ग्रिफिट्स को एज ए न्यू ह्यूमन एज न्यू यूएन ह्यूमिटेरियन चीफ ठीक है Uh, उसके अलावा जो है ग्रिफिथ्स ब्रिंग एक्सटेंसिव लीडरशिप मतलब उनके पास बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, व्यापक अनुभव है और वो बहुत सारे कंट्री लेव, लेवल्स पे जो है स्ट्रैटेजिकली और ऑपरेशनली इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर चुके हैं भूमिका निभा चुके हैं तो मतलब कहने का पॉइंट है कि वो अपने फील्ड में उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव यानी एक्सपीरियंस है राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी आपको बताना है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट किया गया है यह आपको बताना है ऑप्शंस देख लीजिए काफी सारे आपको देखे देखे से नाम लग रहे होंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी पद्म कुमार एम नायर ठीक है ऑप्शन नंबर बी ये हमने देख लिया है बेसिकली ये एस के जनरल uh, मैनेजर है चीफ जनरल मैनेजर है एट एस uh, तो यहाँ पे बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इनको जो है इस पद पर राइट लास्ट क्वेश्चन है फाइनली हमारे इस टॉपिक के लिए भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी फूड एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन देख लीजिए आतिश चंद्र अरविंद सिंह सौरभ गर्ग या फिर संजीव कुमार करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए आतिश चंद्र ठीक है तो आतिश चंद्र जो है बन गए हैं चेयरमैन और एमडी एफसीआई के ठीक है उसके अलावा जो है ये 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं बिहार कैडर से जो कि करंटली काम कर रहे थे एज ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर राइट right? इम सारे के सारे क्वेश्चन देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है आई नो कंफ्यूजन हो सकती है नामों को लेकर क्योंकि यू you नो know, आप कितने ही नाम याद रख पाओगे बट अगेन एग्जाम में यू कांट यू नो क्रिप नहीं कर पाओगे कि शेट यार याद नहीं रहा ये नहीं कर पाओगे इसलिए अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखिए से सेशन को दोबारा दोबारा देखिए आप इजिली रिकॉल कर पाएंगे एंड जस्ट मेक अ लिस्ट अगर आपको लग रहा है कि यार ये पूरा एक रोड चल रहा है कि पहले इस पोजिशन पे थे फिर इस पे चले गए तो इनकी लिस्ट प्रॉपर फ्रेमअप करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा थैंक यू सो मच आई इन माय नेक्स्ट सेशन विद्यू टॉपिक